ये बात अगर याद रख लो तो फिर मैं बताता हूँ कि जिंदगी का तजिया कर लो, इसमें घबराहट ना पैदा कर। जिंदगी अगर 60 साल की ले ली जाए, 60 से खैर थोड़े हैं, घबरा ना जाए ज्यादा कर लो। हाँ मक्खन के साथ पालिए जिंदगी, अच्छा ज्यादा कर लो, इसका 1/3 निकाल लो सोने वाला वाक्य। 60 साल में से 20 साल निकाल दो, ये नींद की नजर हो गया, ठीक हो गया ना। बाकी जिंदगी बिक गई दफ्तर में, कुछ ना कुछ बिक गई। जिंदगी बेच के जिंदगी गुजारते हैं कुछ लोग, अच्छा बाकी जो आपकी अपनी जिंदगी है वो कुछ तो बीवी बदल ले जाती है, कुछ ये कुछ झगड़ा कर करके बगा जाती है, दो दो घंटे रोज कहते दो घंटे थोड़े ज्यादा लगा दें, मेरे वाले पिछवा के वो ले जाती है, कुछ बीवी के एजेंट है वो औलादे हैं, वो भी उसी के एजेंट है, ये करना वो करना ये लाना ये ना लाना, ऐसे मतलब पकड़ा हुआ बेचारा, मतलब बेचारा खा के झगड़ा हुआ। अच्छा वो भी हो गया वक़्त ले गए, आया गया मेहमान वक़्त ले गए, अब आते हैं ये सारा वाक्य, फिर कमाई खर्च करने का वक्त आ गया, तो ये सारा वाक्य आज जिंदगी के ऊपर आया। फिर डॉक्टर कहता है बीमारी होनी जरूरी है वरना मेरा गुजारा कहाँ से चलेगा, ये डॉक्टर बड़े खाना खराब थे, दुआ करते रहते सारे, मतलब ये कोई डॉक्टर नहीं दुआ करेगा या अल्लाह शहर में खरीयत ही रहे, ये तो मर जाने वाली बात है, भूखा मर जाएगा। तो मेरे दुआ करो कि डॉक्टर साहब को अचानक मुफ्ता से मिलते जाना, ऐसा नहीं सकता, नहीं हो सकता। बाहर वाले बीमार भी होना है, फिर अब रात सात वाले पड़ोसी की है तो नाल तो ले जाएंगे, इसके बदले किसी के जनाजे में और किसी के बराबर तुम्हें शामिल होना पड़ता है, फिर हम चलू जाएगा असलम बामू हजूर क्या आप कभी आया नहीं है मुझे, तो चल पड़ो उसके साथ चल पड़ोगे, खैर का तुम्हारे पास बचत के 2-4 साल भी नहीं होंगे कि तुम गौर कर सको। अच्छा फिर अब इस 2 साल में परेशानी यह है कि कलमा खाली काफ़ी होता तो बड़ी बात थी, फिर आपके प्रॉब्लम का शुरू होगा। नंबर 1, अल्लाह का हुक्म है अच्छा करो, जिनको दावेदार अल्लाह का हुक्म है, आप आज में क्या कहोगे, अल्लाह का हुक्म है। एक बंदा और आएगा कहता है ये हजूर पाक का हुक्म है, कहता है ये सावा क्राम का हुक्म है, वारी वारी हुक्म है सावा क्राम का, कहे ताबेदार ये तो फिर हजूर गौस पाक का हुक्म आ गया, अब फिर ख्वाजा साहब का हुक्म आ गया, फिर दादा साहब का हुक्म आ गया, फिर एक बंदा कहता है ये तो कहा जाए फरमाया, वो खा जाए कौन होती है होता है उसको दावेदार कहा जाए फरमा ने कहा जाए ये कहा मिलत जो बन जाएगा, ये भुटे साहब कह दिया आज जहाँ साहब रूम ने फरमाया था या फिर और कायद ही नहीं मिलत, फिर वो मोहम्मद अली जौहर, फिर फिर गोमल यूनिवर्सिटी, फिर इधर यूनिवर्सिटी, फिर उधर यूनिवर्सिटी, ये फरमाने वाले इतने हैं कि तेरे पास फरमान मानने की टाइम ही नहीं, तो फिर बदले भाई अल्लाह के कलाम का हुक्म है, कुरान पाक का हुक्म है, और फिर इसकी तस्वीर है मौलाना साहब ने लिखा तस्वीर के अंदर कमाल है, कमाल मुबूम में तफहीम में दीन में अंदर लिखा हुआ है, एक और तस्वीर में लिखा हुआ है, एक और तस्वीर में लिखा हुआ है, और तस्वीर का तस्वीर के साथ झगड़ा है लिखा हुआ है ना, तो तुम्हारे ऊपर इतने अकामात जारी हैं क्या तुम्हें हुक्म न मानने ही गुजारा हो सकता है, आप आज मेरा जिंदगी जब के मतलब मौत के किनारे है तो आप शायद ढल रही है गिर रही है और बेशुमार वाकत उसके साथ चले आ रहे हैं कि बाहर से काल आ रही है कि घर से काल आ रही है, काल अगर न हो तो टेलीफोन बंद हो जाता है, बंद हो तो रात टूट जाता है, दुआ करते हैं टेलीफोन खुल जाए। मतलब एक बंदा बता रहा था कहते हैं रात गुजरी है ना जब रात की, रात को 2 बजे मतलब मैंने दुआ की है फरियाद के साथ, क्या दुआ की है वो यही रहा है ना उसका दो फौरन नहीं होंगे, मेरा मतलब इतना तुम लोग मजबूर हो कि तुम्हें मतलब जरूरी आते जिंदगी में ये वाक्य करना पड़ जाता है और फिर टेलीफोन बिल लेके चला जाता है, आप बात समझ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्या तुम्हें आगे ही करनी है, क्या आगे ही करनी है, इसलिए काम आसान कर लो अल्लाह और अल्लाह के हबीब से, सबकी इज्जत करो और काम आपका करो। अब यह नहीं है कि 4-4 दिन बाजारा तो लगाते फिर क्या मुल्तान शरीफ में जाओ तो वहाँ पर 21 बाजार हैं, ज़्यादा होंगे देखे इतला कर लो जी उधर कहने वाला लगता है, अच्छा तो लाहौर वाले कितने शुरू कर देते हैं, 2-2 दिन लगाओ ना तो महीने छोड़ा जाता है, इसलिए अल्लाह और अल्लाह के हबीब से लगे बात समझ आई, उसके बाद तुम आप राजी हो तो जिंदगी गुजार के रुख्सती की तैयारियाँ करो, सामान तो बांधो ना, जो सामान जा सकता है वहाँ पर वहाँ जा कर सकता है, घड़ी जाएगी घड़ी जाएगी तो घड़ी छोटे बंद दो घड़ी यहाँ पर हमें दो, कहते जब तक हम है चलेगी ना, इसलिए अब जिंदा है इंसान तो कमाए संभाल के रखेगा संभालेगा, मकान जाएगा नहीं ये 2-4 ईटे लगा दो मकान दिया रहे मुश्किल बात, अभी तो खरीदें, खरीदने में कुछ लोगों ने खरीदना है उनके लिए दुआ करो मकान खरीद लें, पैसे जमा किए हुए दफा करो पैसे बाहर निकालो मकान खरीदो, तो मुद्दा आ जाएगा अल्लाह ताला वाले फसल करे, इसलिए अल्लाह और अल्लाह के हबीब से लगने वाली बात फाइनल है काफ़ी है, ये हमने सिंप्लीफाई नहीं किया अल्लाह ने खुद सिंप्लीफाई किया।
कि मुफलिसी में भी गुजर करती है ये जिंदगी, मुफलिसी में भी गुजर करती है ये, और तख्त पर भी चिश्तियां भरती है ये। बादशाह सलामत है ये अपने, क्या नाम है अपने अपने ये मियाँ साहब नवाज थी, और क्या नाम बीबी का वो जो इस्लामाबाद में है, हाँ वो मतलब जो बेनजीर हैं, दोनों बादशाह हैं तो दोनों अफसरदा हैं, अपने अपने इलाके के दोनों हेड है और दोनों दास हैं, दोनों दोनों से डर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है वाक्य? दोनों को दोनों से खतरा है और हमें किसी बात से नहीं खतरा है, इसलिए कि हमारा कोई तलब ही नहीं, हमारा ये वाकत ही थोड़े से कि चलो मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला सो जाएंगे, झगड़ा किस बात का। तो ये है ना, एक आदमी था वो खाली रोटी खुश रोटी पानी मिट्टे में होकर खा रहा था बसा, और एक बात से बादशाह सलामत गुजरा, बादशाह ने कहा फकीर बाबा किसी बात की मदद की जरूरत है? उनका है बादशाह बात सुन, जो आदमी ये खा सकता है उसे मदद की क्या जरूरत है? जब मैं रोटी और पानी खा सकता हूँ तो फिर मदद की क्या जरूरत है? ये मदद तू किसी और को बता। तो इसलिए मतलब मैं हो सकता है कि गरीबी में बादशाही हो सकता है बादशाही में मोहताजी हो सकता है क्या से क्या हो सकता है क्या से क्या, तो ये अलग काम है। बस ये बात आप याद रखें कि इलाज कभी साइंस नहीं, बीमारी जो है ना ये कभी जेरे तसल्लत नहीं आएगी साइंस के, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी कौन है? जिंदगी, और जिंदगी साइंस की लगातार नहीं होगी, और दोस्ती भी कभी कभी डिपेंडेबल नहीं होगी। इस जिंदगी में कोई फार्मूला कारगर नहीं है सिवाय इसके आज जी का फार्मूला कारगर है। आज जी का मतलब एक फार्मूला काम आता है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला की कायनात के अंदर अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने झुकता चला जाए, बस ये काफी है, ये फार्मूला बहुत काफी है, और कोई फार्मूला नहीं। यहाँ कितने मतलब बादशाह पाकिस्तान की तारीख देखो कि बादशाह है, पहले तकरीर और आखिर तकरीर में कितना फर्क होता है, हम ये कर देंगे हम वो करके चले गए, हम आ गए हमने तुम्हें जाते हुए देखा, वो सारी कायनात बदलती है हुकूमतें, और वो फकीर लोग कहते हैं सब कुछ बदल जाएगा, सब हुकूमतें बदल जाएंगी, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे दादा की। अरे ये अच्छी बात है, ये नहीं बदलती हुकूमतें, वो हजार साल के बाद दादा साहब की हुकूमत में एक मस्जिद बना ली उन्होंने, दादा साहब बड़ी करवट लिया उन्होंने कि हजार साल के बाद तो चलो कुछ कर लो मस्जिद ही बना लो चलो, यानी कि वो क्या है वाकया कि नजर कुछ नहीं आता और खजाना फिर बढ़ता जा रहा है। कभी आपने डब्बा देखा होंगे जो खोलते हैं ना, वो अगले हफ्ते के बाद खोलो ना आप रुकी साहब हम जब गौर करो, आप तो खैर जिंदा आदमी हो ना मौजूद हो, पता नहीं कितने मिलते हैं पैसे, उसको डब्बा खोलो तो चेक शेक मिलते हैं, चेक कितने नेम आप दादा साहब कितने लाखों के हिसाब से लोग डाल जाते हैं, ये लोग बेवकूफ़ हैं ये क्या, तो राज ही कुछ और है, मस्जिद बनी पड़ी हो खामजाब मस्जिद, और ये वाकई वहाँ बैठ के लोग कुरान शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ बैठ के नमाज़ें पढ़ते जा रहे हैं, दूसरी पढ़ते जा रहे हैं, अजब बात है, ये कोई और राज है। तो फार्मूले की बात जाए कभी समझ जाए कि जिंदगी फार्मूला बन जाएगी, इलाज कभी भी जरूरी नहीं कारगर हो जाएगा, और औलाद सारी औलाद जो है माँ बाप के ताबे होगी ये भी नहीं है, सारी औलाद बागी होगी ये भी ताबे नहीं है, और ये रास्ता जरूरी है, मतलब ये होगा कोई पता नहीं कि आज का नेक आदमी कल को खुदा न खास्ता हो जाए कहीं गुमराह हो जाए, कोई पता नहीं है कि आज गुमराह आदमी कल तौबा करके लगे रास्ते पर चल पड़े, कोई पता नहीं सेहत बीमारी की जर में कब आ जाए, और कोई पता नहीं क्या से क्या हो जाए, यानी कि कब जेब कट जाए, ख्याल की जेब भी कट जाती है तौबा, ख्याल की जेब कट जाती है, हालात की जेब कट जाती है, आप बात समझ रहे, इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला जो है ना बस उसी फार्मूले पर चलाता जाए। सबसे बेहतर फार्मूला क्या है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना वलम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, माफ़ी दे माफ़ी से बस हमें माफ़ी चाहिए, ये फार्मूला कामयाब है। अब सब क्या फार्मूला कामयाब है? तौबा का इस्तग़फ़ार का, वरना हर आदमी में तकब्बुर होता है, वो तकब्बुर वाली बात होती है कि जब वो ये महसूस करता है कि मैं कुछ जानता हूँ, जब तुम्हें दूसरा आदमी अपने से कम नजर आने लग जाए तो समझो कि तुम ज़्यादा में हो तकब्बुर की ज़्यादा में हो। इसलिए अगर कोई कमी देखनी है तो अपने आप में देखो, बेहतरी देखनी है तो बाहर की दुनिया में देखो, बेशुमार लोग मैं कहते पीरों के पास जाने वाले लोग क्या वहाँ बैठ के दफ्तर कर रहे थे, पीर साहब हमारे आए तो अच्छे, ये बाज रखे हुए अगर न रखते थे पीर को तो पीर के पास जाके खुद ही उसके अंदर देखे, ये बाज जो है ना आज सुबह से बाज दो शेर गोश्त खा लिए लोगों ने बाजों ने, पीर साहब ये दो शेर गोश्त हमें खिलाते थे,
और कहते पीर साहब हाजिर खिदमत हूँ, तुझे मैं तो फरमा दो। पीर कहते तू क्या, मैं तुझे फरमा दू? बोले तू तो ये मेरे फंक्शन के अंदर इतराज कर रहा है, मैं जैसा आएगा वैसा चला गया। मतलब यह है कि लोग अल्लाह की बात करते हैं फिर अल्लाह पर इतराज करते हुए आ जाते हैं। कहता जो मैं गया क्या बताओ, आज कर दे गया? ओह बड़ी मुश्किल से गया था आज करते जनाब, बड़ा मुश्किल से हालात से माना हुआ, कुछ पैसों में कमेटियाँ कुछ कमेटियों में पैसे पिछले हालात से माना ऐसे किए, वहाँ गया बड़ा अच्छा फंक्शन रहा, अल्लाह ने मेहरबानी की, बड़ी अल्लाह ने करम करिए। कहते बंदे इतने गंदे हैं, भीड़ से भीड़ है, ये है कुछ वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जूती धो बच चुकी है मेरी, जैसे मैं ये कर रहा यार। अच्छा अब ये कोई हज नहीं किया, खोता है खोता, मतलब इसके हाजिर को नहीं किया, ये वहां देखता रहा क्या होता रहा क्या नहीं हो रहा, ये वहां इतराजात हासिल करता रहा। अल्लाह के घर में जाके वहां पर इतराजात इकट्ठे करते, सिर पे पत्थर की कचड़ी लेके वापस आ गया, बड़े इतराजात है अल्लाह मियां तेरी दुनिया के अंदर, और पाने वालों ने राज पा के वापस आ गए। तो ये जो है कभी याद करें, कभी आपको इत्तेफाक हो गया हाज करने का, तो ये राज होता है वहां पर जो इतराजात रखे जाते हैं ताकि तुम इनसे बच बचा के आ जाओ, ताकि राज लेने के लिए जरूरी है कि इनसे बचते बचाते आ जाए। मैंने बताया था ना आपको, ये दादा साहब ने अपनी किताब में लिखा, कहले कि मैं सोच रहा था कि क्या वाकया क्या है, एक कश्यप होना चाहिए, असल बात क्या है। तो बड़े मन तलाश की थे नहीं पता चला, फिर एक दफा मैं गया एक आस्थाने पर बैठा था, वहां मैंने देखा तो वो लोग थे मुझसे कोई इतने अच्छे भी नहीं थे, मैं गया तो मेरा मजाक उड़ाने लग गया, दरवेश वहाँ गए एक आस्थाने पर खरबूजा खा रहे थे, खरबूजे के छिलके मुझे मारे हैं, क्या क्या हो रहा है, मैं मेहमान था ना, जिसके पास आए वो जाने तो काम जाने, मैं चुप कर गौर करता रहा। कहते वो मेरा मुशाहदा खो गया, कश्यप खो गया, कश्यप क्या था कि ये रास्ते के रुकावटें इसलिए रखी जाती हैं कि आने वाले पता चल जाए कि मोहब्बत में कौन आया, इतराज में कौन आया। इसलिए तुम अगर मोहब्बत में जाओ तो इतराजात का रास्ता ना अख्तियार करना, वो तो रास्ते में ऐसे होता ही रहता है कि फिर तुम कहीं इतराज इकट्ठे करके आओ। आधे लोग हज पर इतराज इकट्ठे करके आते हैं, एक सफर जो है ना वो जद में आ जाता है, किसकी जद में, इतराज की जद में, और ऐसे बेशुमार लोग भी अब देखो कि सारा संगत इतराज करते करते गुजर जाती है। ये असल मस्जिद ऐसा है नवाज थी पढ़ ली, मेरा ख्याल मौलवी साहब ठीक बनानी है। एक दफा ये भी किताब में लिखा बुजुर्ग ने, कहते एक दफा हमें किसी आदमी की तारीफ सुनी कि बड़ा नेक आदमी है, दरवेश आदमी है, रूहानियत वाला है। हम उसके मिलने के शौक में चले गए, उसके पास जाकर सुबह फजर की नमाज पढ़ी, तो उसने खुद ही जमात कराई, पढ़ के पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा इस भाई के तलफ़ सही नहीं है। हाँ मैंने अलग पढ़ी नमाज, सलाम करके मैं वापस आ रहा था, वो जंगल से गुजरना हुआ था, वहाँ कुछ शेर शूर की आवाज़ आई, मैं कह रहा हूँ मैं उस आदमी से लंबी नहीं बात की क्योंकि तलफ़ कराई मर देर भी ठीक थी, वापस आ रहा था, वो जो शेर की आवाज़ थी मैं वही बाबा छोटी लगाते हुए आ गया। मैंने कहा शेर कह रहे कहो भाग जाओ हमारे मेहमान है, कहते शेर से दुम दबाई थे भाग गए, सलाम दुआ करते। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो किताब लिखने वाले कहते कि इस बाबे का देता ना मानते शेर भी, बाबा जी ये कहाँ से मकाम पाया? कहते मकाम क्या पाया, तू तलफ़ ठीक कर रहा है, तुझे क्या कर रहे हैं इस बात से। मतलब यह है कि वो भी इतराज न करके क्या है वो राज उसका वो जाने, अच्छा कि ये क्या वाक्य है क्या नहीं वाक्य, तू अपनी निभा तोड़। मतलब ये वाक्य इस तरह के बाबा बुले शाह ने इन्होंने इस हद तक मतलब बात किया कि पीर के नाम पर अपना सैयद होना भी गुम कर गए, वरना मतलब ये कि बड़ा गुरूर वाला मुकाम है सैयद बादशाह सलामत सैयद है पीर साहब आप ही पीर है, वो अराई ने की पीर बनता है, तो लेकिन अराई को कहा कि सैयद वो है और हम अराई हैं, आज सानू अराई का जन्नत पीघा पाई हैं और जरा सानु सैयद का दो दो मिलत सही है, हमें जो सैयद क्यों कहते हैं सैयद उसको को शाह इनायत वो नाम शाह इनायत रखे अलग मियाँ इनायत अली शाह होगा पति कौन होंगे अराई होंगे। तो मुद्दा ये है कि ये मकाम है बड़ी पहचान वाला, आधे लोग मेहनत करते हैं कलमा पढ़ते हैं और फिर इतराज भी इसी पर करते हैं कि सच पूछो तो गलत है तो इस्लाम मतलब मुसलमान की हालत है। तो वो देखो मगरब कितना अच्छा रहता है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं, उनके अस्पताल अच्छे सेहत अच्छी ये अच्छा जहाज उनके समंदर उसकी हर से उनकी होती है, हमारे पास है। अब ये अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है कि तुम इतराज कर रहे हो, तुम देखो कि है क्या इसका। इकबाल ने भी कोई कहा क्या है
ये हवाएं उनकी, फुजाएं उनकी, समुंदर उनके, जहाज उनके। गिरा किसकी? गिरा मुकद्दर की। खुले कैसे? क्या है, क्या है आपका नाम चुगाई साहब? हाँ बोलो, क्या लफ्ज है, याद है? नहीं यार। गिरा भंवर की, खुले तो कैसे? भंवर है तकलीर का बहाना। नहीं बात समझाई? कहते ये जो है ना मगरब वाले लोग, यूदी शूदी अंग्रेज छगे सारे, हवाएं इनकी हैं। अब ये शेर भी है, साफ लैंग्वेज भी है। हवाएं उनकी, फजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके। ये बड़ी जहाज का जमाना है कि मालक ये हैं। फिर जहाज गरज कैसे होता है, ये भी कभी सोचा करो ना कि हवाएं उनकी, फजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके, गिरा भंवर की, खुले तो क्यों कर? भंवर है तकलीर का बहाना। कह रहे भंवर तो उस अल्लाह का है ना जिस रेन में देवे जालों को घर का, कहते थे हवा उड़ा के लेके चलेगी। अमेरिका के अंदर आ गया बदले में ले जाने वाला, क्या कहते उसको? टॉर्नेडो। ओ बड़ा खतरनाक चल होता है वो, हवाई जहाजों का आशक उड़ा के लेके चला गया। तो ये जो वाक्य है, ये कभी सोचा तुमने कि साइंस जो है जहाज बनाएगी और भंवर तो कहे फार्मूला तोड़ देगा और फिर आशक फार्मूला तोड़ेगी? और बात कुछ खैर आपको समझ आएगी, नहीं आएगी? पक्के मकान, खूबसूरत इंसान, अंदर आराम सोया हुआ है, थड़ करता हुआ कहता है रेक्टर स्केल पर 7 नंबर। ये रेक्टर स्केल क्या होती है? जलजला। वो 6 नंबर ही बड़ा होता है। मैं जलजला आ गया, ये जलजला क्या होता है, ये वाकया क्या होता है, थंडर क्या होता है, बादल की गरज की आवाज आती है इंसान मरते पर। अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर वो गाफिल कौम, एक आवाज आई सब सो गई कौम। ये आवाज, ये थंडर, ये कानों में उंगली देने वाले लोग, ये रात व बर्क, ये सारा वाक्य, ये क्या है? ये वाक्य गौर करो तो फिर आपको मालूम होगा कि इसके पीछे कुछ और भी है। फार्मूले बार बार हैं, तोड़ने वाली मशीन अंदर है। कि फार्मूले कहा था कि जहाज तक है और भंवर तोड़ देगा। ये भंवर को पहचानो कि ये क्या हादसा, भंवर क्या होता है? हादसा। कहता ठीक ठाक हालात चल रहे थे, ऐन होने वाला वाक्य था, होते होते नहीं हुआ। ये क्या है? ये हादसा। जहां पता चलता है कि तकदीर क्या है, तकदीर जो है वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं आएगी, तुम्हारी तदबीर में नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की एक तारीफ ये है कि तदबीर शिकन है। तदबीर शिकन क्या होता है? हाँ, ये वो खातम तकदीर है कि तुम्हारी तदबीरों को तोड़ देते, कि तुमने चाहा तो चाहते रहो और दोस्तों किया वो और होगा। इसलिए ये बात गौर कर रही है कि इंसान को गौर करना चाहिए कि कभी अगर किसी आस्ताने पर, कभी किसी नेक सफर पर जाना हो तो पहले ये देखो कि वह इतराज नहीं समेट दे। इतराज भी होगा, वहां जान के रखा जाता है और कुछ गैर शरी वाकत रखे जाते हैं ताकि जो पक्का ये वाक्य वाद जरूर हुआ। आप देखो कि सुलह हो जाबिया शरीफ, सुलह हो जाबिया वाक्य हो रहे हैं, अब दस्तखत हो रहे हैं वायदे पर। और उन्होंने कहा काफर ने बात किया कि यहाँ पर लिखा जाएगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं मानते। अब यही तो बात है, झगड़े की बात। आपने फरमाया ऐसे लिख। अब ये देखना, ये मकसूद था कि जो फॉलोअर हैं कि पक्के फॉलोअर हैं कि इसके बदले में टाइटल के फॉलोअर हैं। कुछ लोग भरम हुए, उन्होंने कहा ये आप लिखो तब भी हम आपके साथ हैं, ना लिखो तब भी हम। वो बात यह है कि चले आप पैगंबर हो तब भी हम आपके फॉलोअर हैं, नहीं पैगंबर तब भी फॉलोअर हैं। उनका यह है ईमान। ईमान की तारीफ क्या? ईमान भी आप पर निसार है। ईमान की क्या तारीफ है? कि ईमान भी आप पर निसार है। कहीं ईमान और शरीयत के दरमियान झगड़ा न करा लेना कि शरीयत का ईमान और होता है, ईमान की शरीयत और होती है। ये सोचने वाली बात है, बस ये है सोचने वाली बात। तो भाई इसका गौर किया करो कि वहां पर एतराज लेकर नहीं आना। कभी आप जाओ तो जाओ, आओ तो आओ। आप किसी बुजुर्ग के आस्थाने पर गए तो वहां देखो गैर बुजुर्ग ना बातें होती होंगी वहां पर, होने दो, ठीक करते तो कर दो। लेकिन उन गैर बुजुर्ग ना बातों के अंदर मतलब बुजुर्ग का रास्ता मौजूद होगा, बस उसको तुमने पहचानना है। हज करने के दौरान भी गैर बुजुर्ग ना बातें होंगी। जहां से शुरू करो, पासपोर्ट पहले तो अपनी मुहूर्त छपाओ, फोटो वो तुम्हारे से बगैर जान नहीं सकते। यहाँ पर कार्ड छप गए, विजय छप गए, पासपोर्ट छाप गए, उधर मूर्तें लग गई, तस्वीरें लग गई,
इस्लाम में पुराने हमारे मौलवी साहब देखे थे, ये तो गुनाह है। क्या है वो? वहां पर एक पेशावर में ये दिन चांद पर आदमी उतरा ना, मौलवी साहब रात को बंदे पे ऐलान किया था पेशावर में कि जो आदमी ये समझ लेगा, मान लेगा कि चांद पर इंसान उतरा, उसका निकाह टूट जाए। ऐलान किया उसने वाकया मस्जिद में। हाँ ऐसे हुआ वाकया कि उसका निकाह टूट जाएगा जो शख्स ये कहेगा, क्योंकि वो कहते हैं ये यानी कि मुसलमानों के चांद पर काफर कैसे उतर जाए। तो ये हमारा तस्वर अपने बारे में जूँ तो अल्लाह की कायनात जो है वो और वाकत है, बस तुम सोचते चले जाओ और सोचते चले जाओ। कहीं देखना कि इतराज की जद में आके कहीं ईमान ज़ाया न कर बैठना, ये देखने वाला वाक है। तो मुसलमानों को चाहिए कि पहले अपने ईमान महफूज करें और अपने ईमान के साथ वाकयात जो मुशाहदात वाले हैं उन पर गौर करें, रोशनी डालें, फिर बात समझ आएगी कि है क्या चीज़। तो ये लोग इतराज इस मेट के वापस आ जाओ। कल मैं पूछा कि तुम दुनिया में गए थे, गए थे क्या देखा? मैं क्या देखा, ये दुनिया में किस तरह बताई, सारे चोर थे, ठग थे, मिलावटे करने वाले थे, पाकिस्तान के थे, कोई छाया ही नहीं हमें नजर आई हिंदुस्तान में। और बेनजीर उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, उधर उसके खिलाफ है, जितोई किसके खिलाफ है, सारे सबके खिलाफ है। हमें समझिए कि ये पाकिस्तान में आज क्या बनाया, आप लोगों ने कहा जाते थे पूछे कहा जाते इकबाल कहते ये क्या तुमने बना दिया, सच पूछे क्या पाकिस्तान बना है, वो बेवकूफ बहुत बड़ा अच्छा बना है पाकिस्तान, क्या बना है, बहुत अच्छा बना है, गौर करो तो बहुत अच्छा। इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हालत है तो अंदाजा नहीं कर सकते, जिन्हें एक वक्त खाने मिलता है एक वक्त नहीं मिलता है। आज जिनकी मतलब बच्चियाँ जो है ना हिंदुओं के साथ शादी करने में मजबूर होती है, आज जिनकी ज़िंदगी जो है तीसरे पाँचवें सतवें दर्जे के चूतर बन रहे हैं, बुरे हालात हैं, और आप तो आजाद हो मतलब बेशुमार बात क्या थे आपके साथ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, यही पाकिस्तान बहुत है। अब भी इसकी कदर करो, अगर आप कदर करो तो बहुत बेहतर है। दुआ करो कि इन दोनों को बहन भाई मुसलह हो जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा, झगड़ा खत्म करो, क्या आपके सामने बैठे हुए एक दूसरे के? मैं तो यही कहता हूँ कर दे सुना, क्या ख्याल है आपका, हमारे साथ झगड़ा क्यों करते हो, जा दोनों ही डिस्पैच करा दो, हैं दोनों हमारे दोस्त, क्या करो अल्लाह में तू इन दोनों को हिदायत कर दे, तो जा अपने पास दोनों को जन्नत में मकाम बता, क्या ख्याल है? अगर जन्नत में मकाम, इतराज क्या है, जन्नत ही है ना, या अल्लाह दोनों के लिए जन्नत में अच्छे अच्छे मकाम बना दे, और इनके फादर के लिए बना दे, ये इनको जन्नत में जगह दे दे, और यहाँ पर दुनिया वाला अच्छा इंसान बना दे, यहाँ पर अल्लाह भी ये लोग सादा सादा जिंदगी बसर करें और आराम से चिरीफाना तौर पर जिंदगी आबाद होनी चाहिए। इतनी बड़ी टेंशन और इतने बड़े अख्तिलाफ जो है ना, ये तो लोगों का साफ पर सवार होगी बात। अब सब क्या ख्याल है, पाकिस्तान के अंदर जो है झगड़ा खत्म होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, हाँ तो फिर होना चाहिए तो हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएगा बस, ठीक है ये मेरा ख्याल, जल्दी हो जाएगा, हाँ जल्दी हो जाएगा, तो फिक्र नहीं करो जल्दी हो जाएगा, अच्छा कब तक हो जाएगा, जल्दी तक हो जाएगा, चलो मसला हल हो गया। मतलब यह है कि इतराज़ की दास्तान जो है ना, ये सफर के अंदर जो है ना एक अदाब, सफर पे इतराज, कुछ लोग याद होती है सफर करते करते इतराज कर, दफ्तर में गए वो फिर कुर्सी वहां पर रखी हुई थी, चपाती है दफ्तर का, तू क्या कर रही हो, सारा दिन बेचारा बकबक करता रहता है, और एक कहता है चार दिन का मेला है, आज के दिन गुजारना है, खुश होकर जाता है, खुश होकर वापस आता है। तो आप अपने दफ्तर में खुश होकर जाया करो, खुश होकर आया करो, अफसर बन के न जाया करो, दफ्तर के अंदर अफसर बनने वाला जो है ना वो बड़े ही परेशान होता है, इंसान बन के जाया करो, इंसान बन के जाओ, आगे इंसानों से मिलो। इत्तेफाक की बात है कि कोई आदमी तुमसे थोड़े से खा लेता है, कोई आदमी तुमसे ज्यादा खा लेता है, इसको देखा करो, इंसानों की तरह बिहेव करो, इंसानों की तरह सलूक करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ना अफसर बनो ना मदाद बनना पड़े, और रोब न डाला करो किसी पर। तो ये सारे वाकयात देखने वाले हैं। मैं ये बता रहा था कि नेक आदमी भी नेकी पर इतराज करता है, मुसलमान आदमी भी इस्लाम पर इतराज करता है, जाते हैं रोज वहां पर है और रोज इतराज करके चल जाते हैं, ये इस बात से इस आदत से बचो, क्योंकि यह बहुत नुकसान देती है अपने आप। अच्छे लोग कुछ लोग होते हैं अपने घर पर इतराज करते रहते हैं, ये क्या वो क्या ऐसे कैसे वो कैसे, इससे बचो, जब आप इस बात से बच जाओगे तो आपको आसानी मिल जाएगी, और राजी रहना ही इंसान की नेकी की इब्तिदा है। जब इतराज पैदा हो जाए और ना रोका जा सके तो उसका हल क्या? अच्छा इतराज जब आ जाए इख्तिलाफ, तो अगर तो इस्लाह कर सकते हो उसकी इस्लाह को, इख्तिलाफ को उसकी तशहीर का सबब न बनाओ, उसके करीब होके वजह जो है इतराज की वो दूर करा दो, क्या मतलब बात जो है ना ऐसा लगता है कि ये यूं है, वो दूर हो जाएगा, और तशहीर कर दी ना तो फिर वो इतराज़ कायम हो जाएगा,
और इसकी इस्लाह नहीं होगी। इस्लाह होती है करीब होकर बात, अगर एतराज पैदा हो जाए तो उसकी वजह होगी ना, खाली ये नहीं मेरी मर्जी के खिलाफ एतराज, वो जो वजह है ना उसको अल्लाह बैठ के समझा दो कि भाई ये वजह है, ये एतराज की वजह हो रही है, ये तुम्हारे इस्लाम के अंदर ये शायर गलत हो गया, इसको यूं करो, करीब होकर इस्लाह करो, दूर से इस्लाह नहीं होती। जिसके फेंको ना उसके दिल में नसीहत उतारो करीब होकर तलकात के बाद। आमतौर पर शर्मिंदा होता है इंसान, शर्मिंदा करते हैं लोग इस्लाह के नाम पर शर्मिंदा कर देते हैं, वो पर डीट हो गया आदमी तो और पक्का जाता है, वो तू दो दफ जाना है जरूर, ये जो तू नमाज नहीं पढ़ी वो सारी जब पहले नमाज पढ़ा हुआ है, एक आदमी ईद पढ़ने चले गए मौलवी साहब तीर रोजा रख तो आई नहीं कोई तरावी थे पढ़ी नहीं, इतनी की लड़ आ गया चुकी रहे बैठे हाथ ने गुरु किया कि सारा महीना यहाँ पर हम भांगे देते रहे तुझे इतना देख नहीं पड़ी तो हूँ की लैन आयो कि बच्चे भी कहते आज गलती होगी फिर नहीं करेंगे आप आज मेरे तो ये भी ऐसे ही भी नहीं होना चाहिए, करते हैं ऐसे होता है। अब मौलवी मतलब तंग हो जाता है कि फॉलोअर कौन है, फॉलोअर तंग हो जाता है कि मौलवी कैसा आ गया, इसलिए वो हमदर्दी खत्म हो गई।